गर्भवती हथनी और सफेद शेर। एक बार की बात है, जंगल में एक गर्भवती हथनी रहा करती थी। हथनी का अपना कोई नहीं था। हथनी अपने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत खुश थी। वो जिस जंगल में रहती थी उस जंगल में अकाल पड़ जाता है। तालाब और कुएं सूख गए थे। बिना पानी और भोजन के सारे जानवर मर रहे थे और कई जानवर तो जंगल छोड़कर जा भी रहे थे। ये देख कर हथनी खुद से कहती है, लगता है मुझे भी ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर यही रही तो भूख और प्यास से मैं मर जाऊंगी और मेरे बच्चे की भी जान जा सकती है। नहीं नहीं, अपने बच्चे को नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं भी ये जंगल छोड़कर चली जाऊंगी। यह सोचकर हथनी दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ती है और बिना भोजन और पानी के हथनी कमज़ोर पड़ गई थी। वो चल भी नहीं पा रही थी। वो जैसे तैसे पास के जंगल चली जाती है और वहाँ एक बच्चे को जन्म देती है। हथनी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है, पर उसकी खुशी ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाई क्योंकि कुछ ही देर में वहाँ एक खूंखार सफ़ेद शेर आता है। सफ़ेद शेर हथनी के बच्चे को देखकर बोला, अरे वाह हथनी का बच्चा, इसका मांस तो बड़ा ही नरम होगा, बिना मेहनत किए शिकार हाथ लग गया। ये सुनकर हथनी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। एक तो उसने बच्चे को जन्म अभी अभी दिया था और ऊपर से बिना पानी और भोजन के वह बहुत कमज़ोर हो गई थी। महाराज, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, वो अभी इस दुनिया में आया है, प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। मैं क्या तुम्हें पागल लगता हूँ जो हाथ आए भोजन को छोड़ दूंगा। शेर बहुत ही निर्दयी था। उसे हथनी और उसके बच्चे पर बिल्कुल भी रहम नहीं आता और वो उसे मार कर खा जाता है। अपने बच्चे की आंखों के सामने मौत देखकर हथनी जोर जोर से रोने लगती है कि तभी वहाँ एक भैंस आती है। हथनी बहन, रो मत, एक माँ होने के नाते मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ। ये जालिम सफ़ेद शेर पता नहीं कहाँ से हमारे जंगल में आ गया। उसने कई सारे जानवरों को मार डाला। हमारे जंगल के राजा बाघ और उसकी पत्नी बाघिन को भी इसने कैद कर लिया। बाघिन गर्भवती है, शेर उन्हें ना खाने को देता है और ना ही पीने को। ये कैसा जालिम शेर है, इसे तो जीने का कोई हक नहीं। देखना, एक ना एक दिन इसका अंत बहुत ही दर्दनाक होगा। यूँ हथनी और भैंस अच्छे दोस्त बन गए। हथनी धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करने लगी। दूसरी ओर सफ़ेद शेर ना तो बच्चों को छोड़ रहा था और ना ही बड़ों को। वो बड़ी ही बेरहमी से उनका शिकार कर रहा था। भैंस और हथनी सफ़ेद शेर की नज़र से छुपकर बाघ और बाघिन के पास जाती। बाघिन एक बच्चे को जन्म देती है। वो अपने बच्चे को देख कर खुश होती है और साथ ही साथ फूट फूट कर रोने लगती है। वो हथनी और भैंस से कहती है, बहन मेरे बच्चे को यहाँ से ले जाओ, अगर वो जालिम यहाँ आ गया तो इस नन्हे मासूम को मार डालेगा, कृपया कर मेरे बच्चे की मदद करो। उस माँ के दर्द को देखकर हथनी को अपने बच्चे की याद आती है और वो रोते हुए कहती है, नहीं बाघिन, अब कोई भी माँ अपने बच्चे को खोकर नहीं रोएगी। मैं इस जालिम शेर को बताऊँगी कि माँ से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। हथनी और भैंस एक प्लान बनाते हैं और बाघिन के बच्चे को ले जाते हैं। और सफ़ेद शेर को जब ये बात पता चलती है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो हथनी और भैंस को ढूंढने के लिए निकलता है और रास्ते में उसे हिरन नजर आता है। शेर हिरन को पकड़ लेता है और उससे बोलता है, अरे ओ हिरन के बच्चे, अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो बता वो भैंस और वो हथनी बाघिन के बच्चे को कहाँ ले गए। महाराज, बताती हूँ, पर पहले मुझे छोड़ दीजिए। जल्दी बता। महाराज, यहाँ से कुछ दूर पर एक गुफा है जहाँ कोई आता जाता नहीं। हथनी और भैंस वो बाघिन के बच्चे को वहीं पर छुपा कर रखे हैं। ये सुनकर शेर न आगे देखता है और न पीछे। वो गुस्से में उस गुफा की तरफ निकल जाता है। वहाँ पहुँचते ही उसे बाहर भैंस खड़ी दिखती है। अरे ओ भैंस, चौंक गई मुझे देखकर। तुम लोगों ने क्या समझा था कि तुम लोग बाघिन के बच्चे को बचा लोगे? हट जा मेरे रास्ते से। महाराज रहम कीजिए, प्लीज़ बच्चे को छोड़ दीजिए, वह बहुत छोटा है। शेर बहुत ही जालिम था। वो गुस्से में दहाड़ मारता है जिसे सुन भैंस डर जाती है और वहाँ से हट जाती है। शेर गुफा में जाता है और तभी वहाँ छुपी हुई हथनी गुफा के बाहर एक बड़ा सा पत्थर रख उसका दरवाज़ा बंद कर देती है। शेर बाहर नहीं निकल पाता। वो गुस्से से चिल्लाने लगता है, अरे किसने यहाँ पत्थर लगाया, हटाओ मेरा दम घुट रहा है। शेर चिल्लाता रहता है और बिना पानी और भोजन के तड़प तड़प कर मर जाता है। भैंस और हथनी का प्लान कामयाब हो गया। बाघ बाघिन और जंगल के बाकी जानवरों ने हथनी और भैंस का धन्यवाद किया
और फिर सब खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। काले चीते के बच्चे की माँ सफेद चीता। एक बार की बात है, मादा काला चीता अपने बच्चे बगीरा को लेकर जंगल में भाग रही थी। उसके पीछे शेर और बाकी के जानवर पड़े हुए थे। मादा चीता भागते भागते एक बड़े से पत्थर से टकराकर गड्ढे में गिर जाती है। उसके पैर में मोच आई हुई थी, वो गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। तब वो अपने बेटे बगीरा से कहती है, बेटा तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो शेर और बाकी के जानवर तुम्हें मार डालेंगे। वो सब नफरत के आग में जल रहे हैं बेटा, चले जाओ यहाँ से। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। अरे कोई तो होगा जो हमारी मदद करेगा। यूँ वो मदद के लिए चिल्लाते हुए जंगल में इधर उधर भाग रहा था, पर वहाँ उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। मादा चीता बगीरा को वहाँ से भेजने की बहुत कोशिश करती है, पर बगीरा था कि अपनी माँ को छोड़कर जाने का नाम नहीं ले रहा था। जानवर और शेर उनके करीब थे। तब चीता अपने बच्चे से कहती है, बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, देखो तुम्हें बड़े होकर एक अच्छा चीता बनकर इस जंगल की रक्षा करनी है। और जो तुम्हारे पिता ने शेर महाराज और जंगल के जानवरों के दिलों में नफरत पैदा कर रखी है उसे दूर करना है। तुम्हें मेरा वास्ता बेटा, तुम जाओ यहाँ से। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ। खुश रहो बेटा, अब जल्दी से तुम किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ, तुम्हें मेरी सौगंध है। बगीरा अपनी माँ की ये बात सुनकर वहाँ से भाग जाता है। वो भागते भागते पास के जंगल चला जाता है और थक कर एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचते रहता है, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, अब मेरा कौन ख्याल रखेगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ। यूँ वो रो रहा था कि तभी दूर खड़े एक लकड़बग्गे की नज़र बगीरा पर पड़ती है। लकड़बग्गा अपने मन में सोचता है, अरे वाह, काले चीते का बच्चा, इसे खाकर तो बड़ा मजा आएगा। यूँ वो बगीरा पर हमला करने ही वाला था कि तभी वहाँ सफेद चीता आती है। वो लकड़बग्गे को रोकते हुए कहती है, रुक जाओ, खबरदार अगर एक कदम भी इस बच्चे की ओर बढ़ाया तो, अपनी जान की खैर चाहते हो तो छोड़ो उसे और चले जाओ यहाँ से। देखो ये मेरा शिकार है, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली। वो अभी बहुत छोटा है, उसे छोड़ दो, उसे उसके माता पिता के पास जाने दो। लकड़बग्गा सफेद चीते की बात को अनसुना करता है और वो बगीरा की ओर बढ़ता है। ये देख सफेद चीता को बहुत गुस्सा आता है। सफेद चीता और लकड़बग्गे के बीच लड़ाई होती है। लकड़बग्गा अपनी हार मानकर वहाँ से चला जाता है। तब सफेद चीता बगीरा से कहती है, बेटा तुम कौन हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास छोड़ती हूँ, यूँ जंगल में अकेला घूमना अच्छी बात नहीं होती बेटा। सफेद चीता की ये बात सुनकर बगीरा एकदम से रो पड़ता है और कहता है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पिताजी एक बहुत ही जालिम और निर्दयी जानवर थे, उन्होंने ना जाने कितने मासूम जानवरों की जान ली थी, जिसके चलते महाराज और बाकी के जानवरों ने उनकी जान ले ली और मेरी माँ जैसे तैसे बचकर उस जंगल से आ रही थी कि रास्ते में मेरी माँ की भी मौत हो गई। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सुनकर सफ़ेद चीता के आँखों में आंसू आते हैं। सफ़ेद चीता की अपनी कोई औलाद नहीं थी। वो बगीरा से कहती है, बेटा उदास मत हो, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी, तुम्हें किसी भी बात की कभी कमी नहीं होने दूँगी। ये सुनकर बगीरा खुश होता है। सफ़ेद चीता बगीरा को अपने साथ अपनी गुफा में ले जाती है, जहाँ सफ़ेद चीता का पति बगीरा को देख कर कहता है, ये कौन है, इसे यहाँ क्यों लाई हो। सफेद चीता सारी बात अपने पति को बताती है। ये सुनकर वो कहता है, अच्छा किया तुमने जो इसे यहाँ ले आई, आज से हम इसके माता पिता बनकर इसकी देखभाल करेंगे, भला बड़ों की सजा बच्चों को क्यों मिले, हम इसे एक अच्छा जानवर बनाएंगे। यूँ सफेद चीता और उसका पति बगीरा को अपने बेटे की तरह पालने लगते है, उसे किसी भी बात की कभी कमी नहीं होने देते। बगीरा भी उन दोनों के साथ बहुत ही खुश था। दिन ऐसे ही बीत गए, बगीरा बड़ा हो चुका था। एक दिन बगीरा जंगल में घूम रहा था,
कि तभी उसकी नजर कुछ शिकारियों पर पड़ती है जो पास के जंगल के शेर को पकड़ने की बात कर रहे थे। ये लोग उसी जंगल की बात कर रहे थे जिस जंगल में बगीरा का जन्म हुआ था। ये सुनकर बगीरा अपने मन में सोचता है, यही मौका है अपनी माँ और मेरी बेगुनाही को साबित करने का। मैं अपनी जान देकर भी महाराज की जान बचाऊंगा। ये सोचकर बगीरा भागता हुआ उस जंगल की ओर जाता है। जब ये बात सफेद चीता को पता चलती है तो वो भी बगीरा के पीछे पीछे भागते हुए जाती है। जंगल के जानवर और शेर बगीरा को देखकर, अरे बगीरा, तुम अभी भी जिंदा हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे पिता ने जो जुल्म हम पर उठाए थे, क्या वो कम थे जो तुम आए हो? अच्छा यही होगा कि तुम जहाँ से आए हो वही चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। महाराज, मैं आपकी रक्षा करने आया हूँ, कुछ शिकारी आपको पकड़ने आ रहे है। ये सुनकर शेर जोर जोर से हंसने लगता है। अब ये जालिम का बेटा मेरी रक्षा करेगा? देख बगीरा, बहुत हो गया, मेरे इस जंगल को छोड़कर चला जा। शेर यूं बोल ही रहा था कि जंगल में शिकारियों के आने से भाग दौड़ मच जाती है। जानवर अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। शिकारियों का जाल शेर पर पड़ने ही वाला था कि बगीरा शेर को हटाकर खुद जाल में फंस जाता है। ये देख शेर हक्का बक्का हो जाता है कि तभी वहाँ सफेद चीता आती है। सफेद चीता बगीरा को जाल में फंसा देख शिकारियों पर हमला करती है। शेर और बाकी के जानवर भी सफेद चीता की मदद करते हैं और शिकारियों पर हमला करते हैं। शिकारी जानवरों के इस हमले से डरकर जाल को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। सफेद चीता बगीरा को जाल से छुड़ा लेती है। शेर और बाकी के जानवर बगीरा से माफी मांगते हैं। बगीरा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे पिता के किए की सजा तुम्हें देनी चाहिए, प्लीज मुझे माफ कर दो। यूं बगीरा एक अच्छा जानवर बनकर मुसीबत के वक्त बाकी जानवरों की मदद करने लगा और अपनी माँ सफेद चीता के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगा।